नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। सबसे पहले चलेंगे हम कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो हमने डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक सेंट पीस। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्य केवल एशिया महाद्वीप के देश हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यूएसए भी इसका सदस्य है, तो यूएसए एशिया महाद्वीप में नहीं आता, यानी कि विश्व में कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जापान की है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल एशियाई देशों को लोन देता है, ये भी गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाता है, यानी सी विकल्प सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 14 का विषय वस्तु हमें जैसे पता होना चाहिए, समता का अधिकार। कल हमने डिस्कस भी किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये थे कल के प्रश्न। हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो आज का समाचार पत्र 20 अप्रैल 2020 का सबसे प्रथम न्यूज है, होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट फॉर स्टैंडर्ड पीपल। जो भी फंसे हुए लोग दूसरे राज्यों में किसी उद्देश्य से गए थे, तो अब उनके लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि उनको उनके राज्य वापस बुला सकते हैं किसी माध्यमों के तहत, यानी उनको जो है छूट दे दी गई। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश ने अपने गृह प्रदेश के लोगों को जो दूसरे प्रदेशों में फंसे थे वापस लाना प्रारंभ कर दिया था। तो हो सकता है लॉकडाउन लंबा चले, तो इसलिए जो भी लोग हैं उनको स्रोतों की कमी या फिर आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो अब गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि जो भी अपने राज्य चाहें तो अपने राज्य के लोगों को वापस बुला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रिपोर्ट 70 डेथ्स हाईएस्ट इन सिंगल डे। तो 70 डेथ हुई हैं कल के आंकड़ों के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा अभी तक की रही हैं। तो ये चीज़ न्यूज़ थी। अगली न्यूज, ओनली 30 लाख फाउंड नरेगा वर्क इन अप्रैल। अप्रैल में केवल 30 लाख लोग ने रोजगार पाया है मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा में सामान्य रूप से आंकड़े बता रहे हैं कि 1.7 करोड़ वर्कर्स रोजगार पाते हैं, यानी लगभग 1.7 करोड़ वर्कर हमेशा रोजगार में रहते हैं। तो 82% कमी आई है लॉकडाउन की वजह से। तो जैसे उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज रहे, ताकि आदमी की आर्थिक पूर्ति होती रहे, आदमी की समस्या ना झेलनी पड़े, लेकिन 82% वर्कर्स जो है केवल कम काम कर रहे हैं। इस समय केवल 30 लाखों लोगों ने रोजगार पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रिमेंस ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है क्या है, जो इंटरनेशनल क्या कहते हैं वो, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, जैसे कोई भी वस्तु या कोई टेक्नोलॉजी, कोई डेवलपमेंट, कोई इनोवेशन आप करते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी मशीन बनाई या वाटर प्योरीफाइंग करने की एक सस्ती तकनीक बनाई, कि बहुत सस्ते दाम में एक आपने ऐसी तकनीक बनाई जिससे जल का शुद्धिकरण हो सकता है, उस तकनीक का प्रयोग करते जो भी उसका कमर्शियल यूज करेंगी कंपनियां, तो आपको आपके आविष्कार के रूप में आपको कुछ उनको वो देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो आपका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि से आपके विवेक से उस चीज़ का जन्म हुआ है, इसलिए आपका उस पर अधिकार है। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यूएसए एक लिस्ट जारी करती है, स्पेशल 301 यानी स्पेशल 301 रिपोर्ट। इसमें क्या करती है कि जो भी राज्य, जो भी देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन करते हैं, मतलब कि जैसे यूएसए की कोई इनोवेशन है, उसका बिना पेमेंट किए या बिना उसका रॉयल्टी दिए अगर कोई यूज़ करता है, कोई ऐसी कंट्रीज है, या फिर जो है जैसे समझिए फेसबुक कोई इनोवेशन करता है और इंडियन गवर्नमेंट उसको जो है, और फेसबुक उसको कमर्शलाइज करना चाहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आप इस संबंधित पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ये वायलेशन हुआ है उदाहरण के तौर पर, तो वो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट इसे बोलते हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इसमें जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेटर कंट्रीज होती हैं उनको डालता है यूएसए के अकॉर्डिंग। तो इंडिया को भी इस लिस्ट में डाला गया है, तो इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। और कौन सी कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरबिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और ये सब कंट्रीज़ हैं। तो कौन जारी करता है स्पेशल 301 रिपोर्ट, यूएसए करता है। और क्या उद्देश्य है इसका, कि जो यूएसए के अकॉर्डिंग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन करता है उसको इन रिपोर्ट में जारी करता है। ये तो फिलहाल यूएसए का लाभ अपने लाभ और अपने फायदे के अनुसार करेगा, तो बड़ी मायने रखता है, लेकिन रिपोर्ट का मायने हमारे लिए रखती है। नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में अपने कहा है कि जो नीट है यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसे नीट बोलते हैं, तो माइनॉरिटी कॉलेज में भी अप्लाई होगा। तो माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है, माइनॉरिटी कॉलेज मतलब जो भी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, तो ये सब माइनॉरिटी कॉलेज में आते हैं।
तो पहले क्या होता था कि जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें नीट अप्लाई नहीं होता था, वो लोग अपने हिसाब से एडमिशन करते थे, तो काफ़ी भ्रष्टाचार धांधली देखने को मिली कि वो लोग पैसा दे के एडमिशन करते हैं और जो है और ऐसी चीज़ें धांधली को आया, तो एक केस किया गया। तो केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नीट से ही उनका भी एडमिशन होगा। तो जो माइनॉरिटी कॉलेज के पक्ष थे या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपना दलील दी कि भाई हमें भी धर्म धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक संबंधित आर्टिकल 30 बोलता है, आप आर्टिकल 30 देखेंगे तो राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप, तो जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अधिकार दिया गया है कि आप शैक्षिक संस्थानों की स्थापना या उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप पे सरकार कोई बाध्यकारी वो नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि ये इसका वायलेशन है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है अपना पक्ष रखते हुए, बोला कि राइट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन आर रिलीजियस राइट, जो भी व्यापार बिजनेस या फिर रिलीजियस राइट्स का आपका अधिकार है, ये किसी भी रूप में आपकी ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को जो है पहचानने से इंकार नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई छात्र आपके संस्थान में एजुकेशन मतलब लेने के लिए एलिजिबल है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसको एक एग्ज़ाम पास करके आ रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो मेरिट बेस्ड आ रहा है, और इससे आप पारदर्शिता को नहीं जो है छिपा सकते। पारदर्शी यानी अपारदर्शी व्यवस्था करने के लिए आप इस अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि एक बड़ी दुखद खबर आई, आप सभी जान रहे होंगे, इरफान खान जो हमारे बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने हस्ती थे, उनका निधन हो गया कल। उनको कौन सी डिजीज़ थी ये चीज़ हम थोड़ा सा देख लेंगे। एक यूनिक डिजीज़ थी जो पाई गई इसमें, तो उनको था एक डिजीज़ थी आप देखेंगे तो न्यूरो ऐसे करके थी कोई डिजीज़, तो उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद अगली न्यूज़, ये सब लोकल न्यूज़ है, अगली न्यूज़ देखिए, फार्मर जेएनयू स्टूडेंट चार्ज अंडर यूएपीए। तो यूए सरजिल इमाम जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा देश विरोधी बातें की थी और जो है वो नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात की थी, भारत के मुख्य भाग से ऐसे कुछ बातें की थी, तो उसी मामले में इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधियाँ संरक्षण अधिनियम 1967 के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या मैं गिरफ्तार तो किया गया था, इन पर यूपीए लगा दिया गया। अब यूएपीए क्या है हम जानेंगे, ये 1967 में आया था 1967 में, तो इसमें लेकिन अभी देखें इसके तहत जो भी कोई गैर कानूनी गतिविधियां करता है या राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करता है, उसको इसके उस संस्थानों को इसके खिलाफ इसके अंतर्गत बैन किया जाता था। अभी 2019 में इसमें संशोधन हुआ था, हम देखेंगे संशोधन कौन कौन से हुए हैं। तो पहले क्या था, इसमें केवल संस्थानों को ही बैन किया जा सकता था जो गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं या भारत की राष्ट्रीय एकता या अखंडता को प्रभावित करते हैं, लेकिन अब क्या है, इंडिविजुअल को यानी एक व्यक्ति को भी इसके खिलाफ बैन किया जा सकता है जो किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है। यानी पहले व्यक्ति को अरेस्ट करने का या व्यक्ति को इसके खिलाफ जो है इसके अंतर्गत लाने का वो नहीं था व्यवस्था। और दूसरी चीज़ क्या की गई, अगर उस व्यक्ति की या उस संस्थान की कोई प्रॉपर्टी सीज करनी हो तो उस प्रदेश की जिस प्रदेश में वो व्यक्ति लाई करता है उस प्रदेश के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से परमिशन चाहिए होगा। लेकिन अगर अब क्या किया गया, अगर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई जो है इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो अपने डीजी NIA से परमिशन लेगी, ना कि उस स्टेट के DGP से। अब और एक चीज़ जोड़ी गई है कि इसमें जो ट्रीटी यानी कौन कौन सी ट्रीटीज इसके अंतर्गत आती हैं, तो ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर टेररिज्म आपका जो परमाणु आतंकवाद से संबंधित समझौते हैं उनमें यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर इस चीज़ के तहत काम किया जा सकेगा। ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ आपकी, पुलिस लॉन्चेज कोविड कवच इन साउथ ईस्ट। तो दिल्ली पुलिस ने एक नई जो है योजना लॉन्च की, नया मतलब एक पहल लॉन्च किया है कोविड कवच, इसके तहत क्या करेगा कि कोई भी बेवजह ना घूमे शहर में तो ताकि कोविड से सुरक्षा पाई जा सके। अगली न्यूज, कॉल फॉर HIV टेस्ट ऑन रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो है कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो भी वर्कर्स वापस लौट रहे हैं दूसरे राज्यों से उनकी HIV टेस्टिंग हो। तो अब ये क्यों ये बात कर रहे हैं हम, जैसे देखेंगे तो उड़ीसा क्या है, ग्रामीण जो है राज्य है, वहाँ पे ग्रामीण आबादी काफ़ी है, थोड़ा सा पिछड़ापन भी है अन्य राज्यों की तुलना में, तो वहाँ पर HIV संक्रमण एड्स संक्रमण काफ़ी ज़्यादा पाया गया उसकी रेट, लेकिन अभी कुछ वर्षों में उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया। तो कुछ सक्रिय कार्यकर्ता कह रहे हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जो भी लौट रहे हैं, ज़्यादातर HIV केसेज उनमें देखे गए हैं जो दूसरे राज्यों से माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं, जो भी दूसरे राज्यों से कार्य करके आ रहे हैं, तो जो अब आ रहे हैं इनको ये एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर है, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको HIV टेस्टिंग किया जा सके ताकि HIV और ना फैले। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक वायरस है
जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक क्षमता को बहुत इफेक्ट करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, जिससे हम किसी बीमारी से जो है मतलब ग्रसित होने बहुत आसान रहेगा। हम किसी को हमको कोई छोटी से छोटी बीमारी भी प्रभावित कर देगी और हमारा प्रतिरोधक क्षमता उस पर काम नहीं करेगी और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, HIV पॉजिटिव व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि वो बीमारी है। HIV पॉजिटिव मतलब केवल वो वायरस पाया गया है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है कि उसको एड्स हुआ है। तो जब HIV पॉजिटिव रहेगा उसके बाद जब बीमारी होगी तो उसे एड्स बोलते हैं। तो एड्स बीमारी है ना कि HIV। तो HIV एक वायरस है और एड्स बीमारी है। तो HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आपको एड्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि HIV पॉजिटिव और एड्स होना दोनों अलग चीज़ है। अगली न्यूज़ आपकी देखिए, ये दिखाया गया है जैसे चित्र में दिखाया गया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि जो भी कृषि संबंधित गतिविधियाँ उनको अलाउ किया गया है। तो एक महिला देखिए आप जो है चाय की पत्तियों को तोड़ रही है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा भारत में चाय का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। तो चाय का उत्पादन आपका मुख्यतः आसाम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और पश्चिमी घाट के राज्यों में होता है। पश्चिमी घाट के राज्यों में कौन कौन से आपके आ जाएंगे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो मुख्यतः देखिए आप आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों में होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है एरो इंडिया 2021 इज़ ऑन एट द सेम टाइम एंड प्लेस। तो एरो इंडिया 2021 पुराने समय पर ही निर्धारित समय पर ही होगा, पुराने स्थान पर ही। तो यानी क्या है एरो इंडिया, क्या है पहली बात हम जानेंगे। तो ये वायु जो हमारी वायुसेना है उसका एक सैन्याभ्यास या उसकी शक्ति प्रदर्शन कह दीजिए आप, शक्ति प्रदर्शन करती है। तो पुराने स्थान पर ही होगा। तो ये क्या है, ये हर दूसरे वर्ष होता है, 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। एक के इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है, यानी कि वायु सेना अपने दक्षता प्रदर्शित करती है इसमें। तो कहाँ पर होगा, येलाहांका में, येलाहांका कर्नाटका में एक जगह है, एयरफोर्स स्टेशन है। तो ये 2021 में एरो इंडिया येलाहांका कर्नाटका में होगा। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है एरो इंडिया क्या है। एरो इंडिया एक 2 वर्षीय यानी 2 वर्षों के अंतराल पर इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है। और एक न्यूज़ है जो IIT तिरुपति है, इसने एक सर्वाइव COVID-19 नाम से गेम बनाया है। उसमें जैसे इसने ऐसे गेम थीम ऐसे रखी है कि मान लीजिए एक एक आदमी है, उसको बाहर जाना है और जो है अपने ज़रूरी सामान खरीदने हैं, कोविड से बचना भी है। तो उसमें कई चीज़ें जैसे जोड़ा है, इन्होंने सैनिटाइज़र को यूज़ करना, मास्क पहनना और सब सुरक्षाएँ लेना, तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद था। तो ये गेम बनाया है इसने। तो अगली न्यूज़ हमारी रहेगी देखिए, उद्धव स्पीक्स टू मोदी ऑन MLSC नॉमिनेशन। तो देखिए ये क्या न्यूज़ है, जैसे कि आप जान रहे होंगे महाराष्ट्र में अभी जो है तीन कांग्रेस, शिवसेना और जो है आपका NCP के तीनों की मिलीजुली सरकार है। तो उद्धव जी जो है, उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा होगा, उद्धव जी ने चुनाव इस बार नहीं लड़ा था, यानी कि वो ना तो निचले सदन के सदस्य हैं ना तो ऊपरी सदन के। तो जब कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं, क्या वो मंत्री हो सकता है? तो हाँ, हमारे संविधान में प्रावधान है, Article 75 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के, Article 164 में जो है यानी 164 अनुच्छेद में राज्य के मंत्रिमंडल के प्रावधान है कि कोई भी मंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो या ना हो। लेकिन शर्त ये है कि 6 महीनों के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता जो है लेनी पड़ेगी। तो मंत्रिमंडल के बारे में कुछ चीज़ देख लेंगे। तो अनुच्छेद 75 बताता है कि मंत्रिमंडल में कौन होगा। तो देखिए मंत्रिमंडल जो है केंद्र में देखेंगे तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु होता है। अब प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राज्य के मामले में गवर्नर नियुक्त करेगा। और सभी मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, निचले सदन की 15% हो सकती है। अधिकतम मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निचले सदन की 15% हो सकती है। आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि समस्त सदनों की संख्या का 15% हो सकती है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जितनी संख्या है उसका 15%। जी नहीं, आपको ध्यान देना है केवल केंद्र के मामले में, केंद्र का जब बात करेंगे तो लोकसभा का 15% हो सकती है, यानी जो निचले सदन में जितनी संख्या होगी उसका 15%। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और राष्ट्रपति नियुक्त करता है और कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसका सदस्य,
मंत्रिमंडल का, लेकिन शर्त यह 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, यानी चुनाव लड़े या किसी प्रकार करे। तो अब न्यूज़ ये है कि इन्होंने जब चुनाव लड़ा नहीं है तो इनके पास क्या विकल्प है, तो ये अब एक विकल्प ढूंढ रहे हैं अपना कि जो, जैसे आप जानते भी होंगे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर महाराष्ट्र में भी 2 सदनी व्यवस्था है ना, महाराष्ट्र में निचला सदन और ऊपरी सदन, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा परिषद है, तो उसमें 2 सीटें अभी खाली है, तो इन्होंने वो नॉमिनेशन वाला रास्ता अपनाने की बात की है, तो इसलिए उन्होंने जो है मोदी जी से बात की है, फ़ोन किया है। ये न्यूज़ थी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जीएस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंट्स त्रिमूर्ति एज इनवाइ टू यूएन। तो जैसे कि हम जान रहे होंगे जो वर्तमान हमारे यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई जो हमारे अस्थाई प्रतिनिधि हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो सैयद अकबरुद्दीन हैं, तो वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए व्यक्ति को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है, टीएस त्रिमूर्ति को। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, टीएस त्रिमूर्ति को भारत के नए प्रतिनिधि, अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त किया गया है, टीएस त्रिमूर्ति। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज़ है आपकी, महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 597 केसेज नियर 10,000 मार्क्स। तो महाराष्ट्र में कल 597 नए केसेज साथ लगभग 10,000 केसेज चुके हैं, ये बड़ी समस्या की बात है। असम में देखिए कुछ जो समूहों ने चिंता जाहिर की है कि जो आर्म्ड फोर्सेज यानी सैन्य बल हैं, वो चूंकि भाई राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, उनका ट्रांसफर भी यहाँ से वहाँ कहीं होता रहता है, तो उनसे भी संक्रमण हो सकता है। जैसे कि आप जान रहे होंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगभग संक्रमण से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, तो वहाँ के लोगों ने चिंता जताई है कि जो यहाँ पे देखिए वहाँ पे आफ्सपा लागू है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वहाँ पर जो है आर्मी का इंटरफेरेंस सिविलियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो चिंता जताई है कि अगर वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। AAI मल्स लिमिटेड फ्लाइट्स विथ 30% कैपेसिटी पोस्ट लॉकडाउन। तो जो हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, AAI उसे बोलते हैं, ये सारे हमारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है, और इसके बाद जो फ्लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी मैनेज करता है, तो ये विचार कर रहा है कि जो लॉकडाउन खुलने के बाद 30% कैपेसिटी के साथ लिमिटेड फ्लाइट्स को अलाउ किया सकता है, यानी कि जो वायुयान व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर 100 सीट का एयरक्राफ्ट है तो उसमें केवल 30 लोगों को यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वो अलाउ किया सकता है। टीयर वन सिटीज़ और टीयर टू सिटीज़ में जो है इसको सेवाओं को सीमित रखा जाएगा। अब हमको जानने की आवश्यकता है टीयर वन टीयर टू ये सब क्या है, आखिर नाम में क्या, ये क्यों टीयर वन टीयर टू का मतलब क्या होता है। जो हमारे शहर हैं उनको 3 श्रेणी में रखा गया है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, यानी कि पहली से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गई आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब चीज़ें टीयर 1 सिटीज़ हो गई। टीयर 2 सिटीज़ क्या हो गई, जो उतना कंपेरेटिवली दिल्ली मुंबई जैसे डेवलप नहीं है लेकिन इवॉल्विंग है, जैसे कि आपका भोपाल हो गई और ऐसे चीज़ें हो गई ना, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, या टीयर 2 सिटीज़ आपकी हो गई। और टीयर 3 सिटीज़ जो अभी छोटी हैं बस जस्ट इवॉल्व हो रही हैं, तो वो सिटीज़ हो गई थी। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है थोड़ा सा। अगली न्यूज़ एक इंटरव्यू है श्रीनाथ रेड्डी जी का, ये आपके जो COVID-19 का ICMR का COVID-19 टास्क फोर्स है उसके भी सदस्य हैं, इनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहला प्रश्न इनसे पूछा गया कि जो कोविड के दौरान लॉकडाउन किया गया तो इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हाँ लॉकडाउन का उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, तो लॉकडाउन हमको समय देगा इस समय में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ा सकें। तो वे बोल रहे हैं हाँ हमने काफ़ी हद तक किया है, अब एग्जैक्ट तो नहीं हम पा सकते क्योंकि कोविड केसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इतनी क्षमता हमारी नहीं है, लेकिन हम काफ़ी हद तक अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं और हम अभी तक अच्छे से लड़ने में सफल हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे जो इसके बाद नई एक्टिविटीज़ को कैसे अलाउ किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें जो जहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, सिग्निफिकेंट नहीं हुए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत ढिलाई कर जा सकती है लेकिन लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए। और जैसी चीज़ें बोल रहे हैं ये कि कैसे हम सीखें, इसी कोविड हमें क्या सीख दे रही है, इससे हम आगे बाद में कैसे सीख सकते हैं। तो बताया इन्होंने कि जैसे अब वियतनाम का उदाहरण इन्होंने दिया कि वियतनाम जो है इतने अच्छे से उसने उसके पहले ही जो है वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ एशियन कंट्री जो भी थी आपकी दक्षिण पूर्व जो भी राज्य जैसे वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब ने अच्छा प्रभाव किया है। इसका कारण क्या है, बताया कि जैसे इसके पहले भी इन्होंने H1N1 H5N1 या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का
झेला है। तो इसमें भी संक्रमण लगभग ऐसे ही होता है, मल्टीप्लाइंग लेवल पे होता है, पूरी जनसंख्या लगभग प्रभावित हो जाती है। तो चूंकि इन लोगों ने इस तरह पहले भी प्रभाव झेला है, तो ये काफ़ी पहले से इसीलिए इनको अनुभव था, तैयार थे, तो इसी का प्रभाव था कि COVID-19 लड़ने में काफ़ी सफल हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था। उसके बाद बता रहे हैं कि ये एक संदेश जाता है कि जैसे अब COVID-19 के बाद हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को अपने बहुत मजबूत करें, ये चीज़ जरूरत है, एक संदेश देता है, इन्होंने ये बात की है। अगली न्यूज है पेंडिंग क्लासेस 10-12 एग्जाम्स आफ्टर कर्व सेंट। तो CBSE ने बोला है कि जो होगी अगर मतलब जो भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं हम जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद कराएंगे, यानी अभी नहीं कराएंगे जब तक समस्या से हम निपट नहीं लेते हैं। UGC इशूज़ एडवाइजरी फॉर एकेडमिक ईयर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यानी जो भी उच्च संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज इनको जो रेगुलेट करता है, उसने कहा है कि जो नए एकेडमिक सत्र हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 1 अगस्त से प्रारंभ किए सकते हैं और 1 अगस्त से 1 सितंबर से फर्स्ट ईयर के लिए। जैसे हमने बात किया था कि UGC एक 2 दिन में कैलेंडर लॉन्च करने वाला है, तो वही इसने कैलेंडर लॉन्च किया, तो बताया है कौन सी गतिविधियाँ कब जो है जारी की जा सकती है। वन स्ट्रेन ऑफ वायरस इज मोस्ट पोटेंट स्टडी। तो एक अध्ययन आया, एक स्टडी आई, इसमें बताया गया है जैसे जो वायरस है ये म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन मतलब क्या है, अचानक परिवर्तन, यानी अपने जेनेटिक मेकअप में जो इसका मेकअप यानी किससे बना है उसमें परिवर्तन करता है। तो बताया जा रहा है कि जो चाइना में वायरस पाया गया था वो वायरस नहीं है, जैसे मतलब कि हमारी बॉडी में आया तो उसने अपने कुछ चीज़ों को जैसे 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 हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करती है वैसे वायरस भी अपने अंदर बदलाव करता है ताकि वो ज़्यादा प्रभावी रहे। तो म्यूटेशन इसे बोलते हैं जो परिवर्तन होता है इसमें। तो वायरस की कई प्रजातियां उस समय कोविड की फैल चुकी हैं, तो वही बता रहे हैं उसमें कि एक प्रजाति है जो A2A टाइप की है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो आपको ये जानने की जरूरत है म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन जो सडन चेंजेस लाते हैं, सडन चेंजेस होते हैं कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, उससे म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये देखिए सैयद अकबरुद्दीन जी जो हमारे वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से, उनका इंटरव्यू है। इसको हम एक विशेष वीडियो में अभी जस्ट थोड़ी देर बाद इसको आपको उपलब्ध कराएंगे, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, पूरा हम संयुक्त राष्ट्र संघ में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको इसके बाद ही जस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यूज़ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सेंटर टू स्टाफ। सेंटर अभी अपने सभी स्टाफों को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं उनको सजेशन दिया है कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को प्रयोग करें। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जैसे आप जान रहे होंगे कि इसमें क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और आपका डाटा जो है उसका यूज़ करते हुए ये काम करती है, इंटरनेट अपना सब खुले रहिए। तो क्या होगा कि जो लोग जैसे आपके पास कोई अगर COVID-19 इफेक्टेड पेशेंट आएगा तो आपके उसमें अलर्ट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी सेंटर केंद्रीय कर्मचारी जो भी स्टाफ यूज़ करेंगे, अगर किसी कोविड पेशेंट के आसपास आएंगे तो उनके ऊपर अलर्ट आ जाएगा। तो यानी कि अगर हो सकता है भाई टच में आए हों तो तभी तो अलर्ट आएगा, तो उनको फिर क्वारंटीन कर लेना चाहिए, सेल्फ क्वारंटीन एक अलर्ट का काम करेगा, ये चीज़ बात कही है। अगली न्यूज़ देखिए आपकी इंटरनेशनल जगत से है। सबसे पहली न्यूज है चाइना टू होल्ड लेजिस्लेटिव सेशन इन मे, मई में। अब चाइना ने अपना जो लेजिस्लेटिव सेशन है उसको डिफर कर दिया है और मई में करेगी। अगली न्यूज है 1.6 बिलियन एट रिस्क ऑफ लॉसिंग जॉब्स वंस ILO। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने कहा है कि 1.6 बिलियन लोग जॉब लॉस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ILO के बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन क्या है। ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा या स्विट्जरलैंड में है। तो इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता, जानने की आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि इसे देखिए 1919 और 2019 में इसको 100 वर्ष हो गए हैं, यानी 101 वर्ष अब हो चुके हैं। तो यानी पिछली बार UPSC ने या किसी परीक्षा में इसे नहीं पूछा गया था, लेकिन संभावना है कि अब जो परीक्षाएं होंगी इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि 100 वर्ष किसी संस्थान के पूरे होते हैं तो उसको ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ये। तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे बड़ी बात है ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है, क्योंकि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहले बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ तो आपका 1945 बना, लेकिन आपका ये कंपनी ये आपके 1919 में बनी थी। इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेबर स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करके जो श्रमिक हैं उनको न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना, ये था। स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग द ब्रह्मपुत्र इन फोकस। तो जो क्या है आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चीन से होके आती है और एक नदी और है मेकोंग, वो भी चीन से होके आती है, लेकिन वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होके जाती है। तो जो मेकोंग नदी है वो जो लाओस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया से होकर जाती है, उस पर एक अध्ययन हुआ है। अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ पर 2019 में सूखा जो आया था जो दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, उनका कारण था कि मेकोंग नदी में जल प्रवाह कम हुआ है। जल प्रवाह कम होने का कारण बताया जा रहा है कि मेकोंग नदी पर चीन काफ़ी डैम्स बना रहा है, बांध बना रहा है, जिससे पानी का
जो है बहाव प्रभावित हो रहा है और पानी कम उपलब्ध हो रहा है, और इसी इसी से जो है वहाँ पे सूखा आया था। तो इस स्टडी को देखने के बाद भारतीय समुदाय ने भी चिंता जताई है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन से होके आती है और ब्रह्मपुत्र पे भी वो बांध बनाने का सोच रहा है, तो इससे हमें भी चिंता जाहिर करने की बात है। तो ये हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये तिब्बतन क्षेत्र से, तिब्बती क्षेत्र में एक मानसरोवर झील है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और इसको वहाँ पे जो है चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो नदी से जानते हैं। फिर जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है फिर इसे दिहांग कहते हैं, और फिर दिहांग के बाद जैसे असम के मैदानी क्षेत्रों में आती है इसे ब्रह्मपुत्र नदी नाम दे दिया जाता है। बाद में गंगा के साथ मिलके इसको जमुना नदी नाम से ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है समाहित हो जाती है। तो हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा जानना होगा, और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना इंडिया दोनों, चाइना इंडिया बांग्लादेश तीन देशों से होकर प्रवाहित होती है। और देखो सब तो कुछ भारतीय लोगों ने कहा कि यहाँ पे जल के प्रवाह की मात्रा हमारे लिए समस्या की बात नहीं, क्योंकि मात्रा कहाँ, जो भी वो यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करेंगे, विद्युत उत्पादन के लिए करेंगे। तो विद्युत उत्पादन में क्या होता है, पानी को ऊंचाई से छोड़ा जाता है, लेकिन पानी तो सारा हमारे पास आएगा ही, ऐसा थोड़ी वो पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। तो पानी की मात्रा की हमारी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन समस्या ये है कि वो मात्रा कब कितने समय में छोड़ी जाएगी, ताकि जैसे अचानक छोड़ देंगे तो बाढ़ आ जाएगी, या नहीं छोड़ेंगे तो सूखा आ जाएगा। तो टाइमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो देखो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह संबंधित भारत और चाइना में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि ये दोनों लोग आपस में ही उसके तहत जो भी आंकड़े हैं शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो इससे जैसे पता चल जाएगा जैसे भाई कि वर्तमान में वहाँ प्रवाह दर कितनी है, तो जैसे वहाँ प्रवाह दर अगर ज़्यादा है, वहाँ पे बाढ़ आई है, तो अगर हमें आंकड़े मिल जाएंगे तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश या असम क्षेत्र में भी बाढ़ आ सकती है, हम पहले से तैयार हो जाएंगे। ये था ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में न्यूज़। अगली न्यूज है, डिटेंड कैनेडियंस आर इन गुड हेल्थ चाइना। तो जो चाइना ने बोला कि जो भी कैनेडियन हमारे यहाँ जो हमने जिनको गिरफ्तार किया है उनका स्वास्थ्य ठीक है। तो अब हम समझेंगे न्यूज किससे संबंधित है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले वर्ष 2018 में अमेरिका ने जो है एक आदेश दिया था, जो हुआई कंपनी है वहाँ की चाइना की, उनकी जो वो हैं मतलब ओनर हैं वो मिस मेंग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कनाडा में, अमेरिका के जो है वारंट पे जब कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया था जो है उनको, तो चाइना ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए दो कनेडियन को गिरफ्तार कर लिया था। तो वही चीज़ कहा कि जो है अब वो कनेडियन आपके स्वस्थ हैं। तो ये चीज़ इशू था। अगली न्यूज़ है, क्वीन कॉल्स ऑन आर्डन ओवर कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो जो है ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ ने जो है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंदा आर्डन को कॉल किया कोविड-19 के संबंध में। तो हमको यहाँ पे जानना क्या है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेसिंदा आर्डन, आप फोटो में देख रहे हैं यही है जेसिंदा आर्डन। ये चीज़ थी। अगली न्यूज आपकी, म्यांमार आर्मी गिल्टी ऑफ राइट एब्यूज़। तो जो कुछ ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि जो म्यांमार की आर्मी है वो अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। क्यों कर रही है, हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले भी कि 2019 के जनवरी में ही शुरुआत में म्यांमार की आर्मी ने वहाँ के जो एक रखाइन क्षेत्र है वहाँ पर उस पर काफ़ी हिंसा की। वहाँ पे जो रोहिंग्या लोग रहते हैं वहाँ के मूल निवासी हैं, वो लगभग 1.5 लाख लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये चीज़ था। तो रोहिंग्या क्राइसिस वहाँ पे चल रहे है, ये मामला था, आप जानते ही होंगे। अब आर्थिक जगत की खबरों से आएंगे हम। रूपी राइजेज ऑन स्ट्रांग इक्विटीज वीक डॉलर। तो रूपी हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत हुआ है। तो क्यों मजबूत हुआ है, इसका कारण देखेंगे कि जैसे संभावनाएं हैं कि दूसरे देशों से यानी विदेशों से पैसा भारत में आने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्यों हैं, पहली बात तो आप देख लीजिए, पहला पॉइंट होता है फेसबुक जियो डील हुई है, लगभग 10% शेयर फेसबुक ने जियो में खरीदने की बात की है, तो 47,000 लगभग 45,000 करोड़ की डील है, तो वो उतना आएगा पैसा, तो उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती आएगी, उससे रुपये में विश्वास उछाल हुआ है। और फेडरल पॉलिसी आज डिक्लेयर हो गया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैंक है अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा। तो पॉलिसी डिक्लेयर करने का मतलब संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट घटाई जाए, इंटरेस्ट रेट घटाई जाए यानी कि वहाँ के इन्वेस्टर्स को, वहाँ के जो निवेशी हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनको फ़ायदा कम मिलेगा, तो दूसरे देशों में जो है निवेश करने को सोचेंगे, तो भारत में भी और निवेश आ सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रुपया मजबूत हुआ है उसके तुलना में। अमेजन ऑफर्स क्रेडिट सर्विस टू शॉपर्स। तो जो अमेजन प्लेटफॉर्म है इसने अमेजन पे लेटर ऑफर किया है, यानी कि आप अभी वर्तमान में शॉपिंग कर लीजिए और पेमेंट बाद में करिए, तो ये चीज़ उसने ऑफर किया है, तो एक अच्छी चीज़ है।
एलाई विथ पीएसयूज गवर्नमेंट टू सेल हाउसिंग यूनिट गडकरी। जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने सुझाव दिया है जो रियल इस्टेट सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर क्या होता है, जो भी निर्माण कर रहे हैं जो घरों के निर्माण में ये सब चीज़ों में जो लिप्त होते हैं उनको रियल इस्टेट सेक्टर बोलते हैं। तो रियल इस्टेट सेक्टर इस समय बड़ी समस्या में गुजर रहा है कि उसने तो बहुत सारे घरों का निर्माण कर दिया लेकिन उसके खरीदने वाले कोई नहीं, उसके ग्राहक नहीं हैं। तो अब बोला है कि इन्होंने सुझाव दिया है कि फिलहाल ये मेरे मंत्रालय का मामला तो नहीं लेकिन मैं एक अच्छा सुझाव दे सकता हूँ, अगर चाहें रियल इस्टेट सेक्टर्स वाले तो वो जो पीएसयूज़ हैं यानी जो पब्लिक सेक्टर वो हैं एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे कि आपकी सेल हो गई, गेल हो गई, बीएचएल हो गई, एचएल हो गई, इन सब से और सरकारों से जो है मतलब बात करें, इनको भी आवश्यकता है। तो सरकारों से बात करके जो है नीलाम जो कर रहे हैं घर, तो सरकार और पीएसयू से बात करके भी अपने घरों को बेच सकती हैं, तो इससे लिक्विड उनको पैसा मिल जाएगा और सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए आवास और भी चीज़ों की आवश्यकता है, दोनों आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएंगी, तो इससे रियल इस्टेट सेक्टर की समस्या भी दूर हो जाएगी, ये उन्होंने सुझाव दिया है। यू अर्ज रेटिंग एजेंसीज टू पुश बैक असेसमेंट ऑफ MFIs। तो जो माइक्रो फिनांस इंडस्ट्री है, यानी कि माइक्रो फिनांस इंडस्ट्री हमने बात की थी जो छोटी छोटी मात्रा में लोन देती हैं, तो इनकी तो रेटिंग एजेंसी क्या होती है, रेटिंग एजेंसी जैसे क्राइसिल है एक रेटिंग एजेंसी का नाम है, तो ये क्या करती है, मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है उसको रेटिंग दे देगी, क्या ए रेटिंग है या ए प्लस रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, तो इससे क्या होगा कि आपकी रेटिंग के अनुसार, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते होंगे तो देखते हैं 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं तो उस रेटिंग के अनुसार ही ग्राहकों का या उससे जो इन्वॉल्व होंगे उनका विश्वास पैदा होता है। तो अभी जो है अपील की गई है जो है रेटिंग एजेंसी से, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है जो छोटे मात्रा में लोन देती है वो समस्या से गुजर रही हैं और ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए आप अभी रेटिंग मत करिए, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब रेटिंग करिए। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है अगर अभी रेटिंग होगी तो उनकी रेटिंग में काफ़ी गिराव देखने को मिलेगा, जब रेटिंग में गिराव देखने को मिलेगा तो जो उसके कस्टमर्स रहेंगे उससे विश्वास उनका कमज़ोर होगा, विश्वास कमज़ोर होगा तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री और समस्या में आएंगी। ये थी इकोनॉमी न्यूज़ और ये आज की न्यूज़ थी। आज हम इससे संबंधित प्रश्नों पर चलेंगे, आपको देखना है इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं और इनको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं, सैयद अकबरुद्दीन, टीएस तिरुमूर्ति, शशि थरूर, अजय भल्ला। प्रश्न संख्या दो है, मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, इसके सदस्य केवल निचले सदन से हो सकते हैं, इनकी अधिकतम संख्या दोनों सदनों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है, इसके सदस्य सदन के बाहर सदस्य के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल चार, 1, 2, 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की विषय वस्तु क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या उपर्युक्त सभी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील, राकस ताल, गंगोत्री हिमनद, महाबलेश्वर चोटी, इसका जवाब आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से डिस्कस किए होंगे, आपको समझ में आया होगा और जो भी समझ में आया हो उसके जवाब उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर कोई अन्य सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको सुझाव दीजिए या फिर कोई अन्य टॉपिक जिस पर हमको वीडियो बनानी चाहिए हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपके जो है मांग के अनुसार। और फिर से आपसे निवेदन है, UPSC मैनिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आपके लिए पहुंचा, आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारी रीच बढ़े और उसके बाद इस लॉकडाउन में जो भी हमारी किताबों की उपलब्धता कमी है या फिर सब चीज़ें, इनको पूरी कह सके इस डिजिटल माध्यम की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत।